सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वीएम व्लॉग्स। होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने लगा हूँ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्रिकेट पिच। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हमने जो सी लैंड लिया है उसको 1.5 फीट तक हमने डिग किया है। उसके ऊपर हमने ये सारे जिसको कहते हैं बजरी खिलार दिया है, और उसके ऊपर हमने उसको लेवल करने के लिए टूल यूज़ किया, जो कि है ये टूल से हमने जोर शोर से दबाया, जिसके साथ ये पूरी लेवल हो गई है। साइड में हमने चैनल लगाया ताकि इसको एक अच्छी बाउंड्री मिल जाए, और अब ये पानी डाल रहे हैं कि अच्छे से सेटल हो जाए। अभी हम यहाँ पर सीमेंट डालकर इसको पूरा फिल कर देंगे। सो आप तब तक इंजॉय किए टाइम लैप्स। मशीन जिसके अंदर पूरा सीमेंट रेडी हो जाता है, जिसको हम बाद में यहाँ पर डाल देंगे, और यह पूरी सीमेंट की बोरियाँ। सो सबसे पहले हम यहाँ पर मिक्स करेंगे सारे जो से थिंग्स हैं, फिर उसको यहाँ पर पूरा खिलार देंगे, और फिर हम बिल्कुल इसको लेवल कर देंगे। सो फिर जब ये पूरा लैंड हमारी रेडी हो जाएगी, तो फिर हम इसके साइड पर पोल्स लगवाएंगे और ये पूरा नेट लग जाएगा यहाँ पर। सो इस चीज़ को पूरा 1 वीक लग ही जाएगा अगर हम धीरे धीरे भी काम करते हैं। सो गाइस, ये मेरे अंकल जिनका नाम है सेमा। सो ये अभी पानी डाल रहे हैं अच्छे से। ये पानी क्यों डाल रहे हो आप? मिट्टी तोड़ रहे हैं। अच्छा, ये मिट्टी को साफ कर रहे हैं जो कि ये इन पत्थरों के साथ लगी हुई है। सो ये देख रहे हैं, हमने यहाँ पर थोड़ा इको फ्रेंडली के लिए हमने यहाँ पर वेजिटेबल्स भी लगवाई हैं। ये देखिए, यहाँ पर कैरेट्स लगी हुई हैं, पर अभी हमने पूरा उसका जो सा हाफ एरिया था उस पर हमने ये पिच बनवा दी, और वहाँ पर वो मशीन स्टार्ट हो गई है। सो ये मेरे अंकल। सो ये मेरे अंकल इंस्पेक्शन कर रहे हैं कि सब्जियां ठीक है कि नहीं। अंकल ठीक है कि नहीं? बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया सब्जी है। चलो, बहुत अच्छी सब्जी है। गाइस, आप सबको ये ट्रैक्टर देख लो। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे, ये सारा मॉडिफिकेशन क्यों किया है। सो गाइस, जो सा हम काम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्टर का, उसमें सारा यूज़ होता है ये सारी टूल्स। सो हमने जस्ट एक ट्रैक्टर को मॉडिफाई कराया, हमने यहाँ पर पीछे ये टूल लगवाया जिसके साथ होल्स होते हैं ज़मीन के अंदर, और ये लगाया है जो सा इसको कहते हैं हाइड्रा। सो इसकी हेल्प से जो सा ये होते हैं ना पोल्स, सो इनको उठा कर रखते हैं। सो ये देखिए, पापा पर काम चल रहा है अभी भी। सो मेरे पापा ये इंस्पेक्शन कर रहे हैं कि सारा काम अच्छे से हो भी रहा है कि नहीं। वो देखो, फिर जब ये बन जाएगा फिर हम, मेरे पापा वैसे बहुत बड़े फ़ैन हैं क्रिकेट के, बहुत अच्छा लगता है, उनकी फेवरेट गेम है क्रिकेट। तो फिर उनको खेलने में बहुत मज़ा आता है, तो इसलिए वो मैचेस भी खेलने जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि वो प्रैक्टिस के तौर पर यहाँ पर खेला करेंगे। तो यहाँ पर नेट लग जाएंगे ब्लू कलर का, यहाँ पर एक नेट लगेगा, पोल्स लग जाएंगी, और सोच रहे हैं कि यहाँ पर एक गेट लगवाएं कि ना लगवाएं। पापा कह रहे हैं नहीं लगवाना, पर देखते हैं क्या होता है। सो गाइस, यहाँ पर ये सीमेंट बन रहा है, वहाँ पर वो डाल रहे हैं, और ये लेवल कर रहे हैं। हेलो, और यहाँ पर हम पानी सेव कर रहे हैं क्योंकि पता नहीं है कि कब मतलब की इलेक्ट्रिसिटी चले जाए और मोटर भी ना चले, और जिसके साथ हमें ये सारा काम स्टॉप करना पड़े। क्या भारत की क्रिकेट टीम? अरे 10 सेकंड हो गए सारे, 50 सेकंड कर दी, 50 सेकंड। सो देखिए, वो यहाँ पर पूरा इसको लेवल कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल एक बिल्कुल जो कहते हैं ना बिल्कुल एक, और एक ही लेंथ की ये सारी तरफ से हो जाएगी, बिल्कुल उसको खिलार रहे हैं। और वो अंकल अकेले अकेले ही पानी डाली जा रहे हैं।
इनको भी डाल दो पानी। गाइस वन एंड हाफ आवर हो चुका है, वो देखिए वहां से पूरा सीमेंटल भी चुका है और लेवल भी हो चुका है। अभी यहाँ पर हो रहा है 1/4 वर्क हो चुका है और अभी ये सारा करने वाला पड़ा है। धीरे धीरे मशीन भी आगे कर लेकर आ रहे हैं और यहाँ पर थोड़ी ये ब्रिक्स तोड़ रहे हैं क्योंकि जहाँ पर बीच में जगह है वहाँ पर ये डाल दें कि अच्छे से बिल्कुल जो सा सीमेंट अच्छे से पूरी तरह फैले। वो देखिए ये यहाँ पर पहले सबसे पहले इरेगुलरली फैलाते हैं, फिर उसकी हेल्प से इसको पूरा स्ट्रेट कर देंगे। वैसे इतना सा करने के लिए उनको 1 आवर लग चुका है और आप खुद लो सोच लो कि इतना सब करने के लिए उनको 2 आवर्स तो मैक्सिमम या मिनिमम तो लगेंगे। और यहाँ पर सीमेंट भी बहुत ज़्यादा यूज रहेगा, इस सीमेंट से ध्यान रखिए क्योंकि अगर ये अंदर चला गया तो ये आपकी कोई नर्व ब्लॉक कर सकता है और आपको फिर कुछ हो सकता है। वो मुझे कह रहे हैं हमारी भी बनाओ। चलो उनके पास जाते हैं। ये देखो गाइस अंदर से ये मशीन कैसे की है। सो गाइस अभी भी यहाँ पर काम चल रहा है, मैं थक गया हूँ और मेरा मन कर रहा है कि मैं रो पीऊँ, मतलब कि गन्ने का रस पीऊँ। सो चलो गाइस चलते हैं और रो पीते हैं। सो ये रखते हैं हम यहाँ पर। चलो अब मैं आपको रो वाली शॉप पर मिलता हूँ। अभी तक हो रहा है वहाँ पर, अभी भी कंस्ट्रक्शन हो रही है पिच की। सो अभी 2:00 हो रहे हैं और अभी 1 एंड 1.5 आवर और लग जाएगा। गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है इस वीडियो पर लाइक कमेंट और शेयर कीजिए और VM Talks को सब्सक्राइब ज़रूर करना। गाइस अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर फॉलो नहीं किया कर लीजिए, ID आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही होगी। गाइस आज इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।